नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स और बर्जर्स पेंट्स के बारे में। जैसा कि मैं हर वीकेंड पर आपको आपके लिए दो स्टॉक्स लेकर आता हूं, जिसमें मैं आपको उसकी एनालिसिस करना बताता हूं, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करना सिखाता हूं, उसमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूं। तो आज जो मेरे रडार पर हैं वो हैं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट। तो इसमें मैं आपको जो है कंप्लीटली इसमें एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि मैं जो है अपने स्टॉक्स की एनालिसिस कैसे करता हूँ, उसमें क्या पैटर्न ढूंढता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको स्टॉक्स का जो है बिहेवियर दिखाऊंगा कि स्टॉक्स जो है किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनमें प्राइस की मूवमेंट होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए आइए, अब हमने जो है अपना चार्ट को जो है बिल्कुल क्लीन, नेट एंड क्लीन कर लिया है। अब इस पर कोई भी ड्राइंग नहीं है। अब मैं आपको जो है यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो हम ले लेते हैं 2017 से इसका चार्ट ले लेते हैं एशियन पेंट्स का। तो चलिए अब हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे कलर। यहाँ पर मैं ये ब्लैक कर देता हूँ और इसको व्हाइट कर देता हूँ। चलिए अब जो है हमारा जो है, हम देखिए यहाँ पर पहले ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो इसने सपोर्ट लिया है, तो हमने देखिए यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है जो कि लेवल निकल के आ रहा है 1100 रुपये का। अब देखिए अगर अब हमको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी होती तो हम कैसे करते। तो मैं अब उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले ली, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से लेके, ये ट्रेंड लाइन, इसको भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको जो है अच्छे से पता लगेगा। और मैं इसको थोड़ा थिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ले ली, ठीक है। ये हमारी होगी पहली एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर जो स्टॉक जो है पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने हायर हाई एक बनाया, फिर जो है हमने जो यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ था, थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ। तो ये देखिए मान लीजिए हमने यहाँ से सपोर्ट ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये देखिए नेक्स्ट टाइम फिर जो है आकर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये इसने हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ निकल गया सपोर्ट लेकर। तो जब हमको एक दो तीन, ये जब हमको हायर हाई लोअर हाई जब हमको मिल गए तो हमने हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई। नेक्स्ट टाइम देखिए इसको टच करके फिर जो है इसी लेवल पर जहां पर हमने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है सपोर्ट लाइन, वहां पर फिर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया और ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी नेक्स्ट उसी पर गया और फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। चलिए अब आइए हम आगे देखते हैं हम अपनी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर इसने फिर ये लोअर हाई बनाना चालू कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी आइस को जो है पैटर्न ढूंढना आना चाहिए स्टॉक में, कि स्टॉक में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने एक पैटर्न ढूंढा है, ये ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। हमने यहाँ पर एक पैटर्न ढूंढा, ये देखिए ये हमको मिल गया एक फ्लैग पैटर्न। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न ढूंढा। अब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितना शानदार ऊपर गया है। 1277 रुपये से ये जो है हाई लगाकर आया है 1489 रुपये, 90 रुपये। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए अब हमको फिर जो है यहाँ पर लोअर हाई मिलने चालू हो गए। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमको फिर लोअर हाई मिलने चालू हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर इसको जो है पैटर्न अपना बना लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने फर्स्ट टाइम जो है इसको ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, ठीक है। सेकेंड टाइम भी इसने जो है फ्लैग पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, हमने जो ये फ्लैग पैटर्न बनाया इसको इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ये ब्रेकआउट हो गया है तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं लेंगे, हम जो है पहले अपने पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करके रखे रहेंगे। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर एक पैटर्न ये ड्रॉ कर लिया। तो जब देखिए इसका ये ब्रेकआउट हुआ है फ्लैग पैटर्न का, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। तो कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो जब वो रीटेस्ट के बेस पर लेते हैं हम,
ऐसे जो है ब्रेकआउट सीधे नहीं ले लेते हैं, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट जो है फेक निकल जाते हैं। तो ये देखिए, ये स्टॉक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करने के बाद फिर नीचे की तरफ आया और उसने यहां पर रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पर जहां पर इसने पीछे हाई लगाया था। तो यहां पर इसने फिर रेजिस्टेंस लिया, हमारा ट्रेड यहां पर बनता है। हमने यहां पर ट्रेड लिया, ये देखिए यहां पर इसने एक जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो फाइनली यहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहां पर जो है हमने अब अपना ट्रेड ले लिया है। तो चलिए मैं आपको, हाँ ये यहां पर हमने ट्रेड ले लिया। उसके बाद फिर दो देखिए अब कौन से पैटर्न बन रहे हैं। अब ये देखिए, ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहां पर नीचे की तरफ आया, फिर यहां पर इसने एक लोअर हाई बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर फाइनली नीचे की तरफ आके फिर यहां पर जो है ये हमको यहां पर क्या मिल गया, एक ट्रेंड लाइन यहां पर हमको और मिल गई। ये देखिए हमको यहां पर ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने ट्रेंड लाइन जो हमको मिली है, तो हम इसका वेट करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, फिर हम इसमें जो है अपना ट्रेड बनाएंगे। तो ये देखिए फाइनली क्या किया इसने, एशियन पेंट ने, इसने 1250 रुपए के लेवल पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये देखिए, ये जो है स्टॉक इस यहां, ये देखिए नियर अबाउट यहां पर जाके इसने फिर रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। अब हमको ये देखिए यहां पर हमको एक सपोर्ट मिल चुका है, जो पीछे यहां पर ये सपोर्ट था। ये देखिए अब हमने यहां पर एक सपोर्ट लाइन और ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो फाइनली यहां पर देखिए, जब इसने ये देखिए यहां पर एक इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी है, तो यहां पर हमारा ट्रेड जो है कंफर्मेशन हमको मिल गई। तो हमने यहां पर जो है अपना ट्रेड मान लीजिए एग्जीक्यूट कर लिया होगा। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट किया 1325 रुपए के लेवल पर। 1325 रुपए के बाद इसने जो हाई लगाया वो लगाया 1432 रुपए का। 1432 रुपए का हाई लगाने के बाद ये देखिए फिर जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये देखिए जो हमने पीछे यहां पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, हम इसी को जो है आगे की तरफ हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर आके इसने जो है सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। नेक्स्ट टाइम देखिए फिर जो है यहीं पर आने के बाद इसने सपोर्ट लिया और एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ चले गया। ठीक है, और थर्ड टाइम भी ये देखिए, थर्ड टाइम यहां पर आया, यहां पर फिर इसने एक हैमर कैंडल बनाई। तो मैं अधिकतर इसमें नोटिस करता हूं, यहां पर जो है एशियन पेंट्स में ज्यादातर या तो हैमर कैंडल को ये फॉलो करता है, या तो ये बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश या बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को ये फॉलो करता है। तो हम जो है उसी बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। तो हम जो है प्राइस एक्शन को ज्यादा फॉलो करते हैं, हम फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इंडिकेटर वगैरह आप देख सकते हैं मेरे चार्ट में बहुत कम होते हैं, या कोई मूविंग एवरेज होती है, या कोई RSI होता है। तो मैं जो है प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता हूं और पैटर्न ढूंढ कर ट्रेड करता हूं। तो यहां पर देखिए, जब ये ऊपर यहां पर इसने 3 बार जो है नियर अबाउट यहां पर सपोर्ट लिया, 1, 2 और 3। मैं यहां पर जो है देखता हूं आपको, अगर यहां मिलता है तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए, सॉरी चलिए इसको रहने देते हैं। तो 1, 2 और 3, 3 टाइम इसने यहां पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर जो है ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहां पर देखिए एक पैटर्न हमको यहां पर और मिल रहा है, जो इसने यहां पर हाई लगाया था। अब हम इसी हाई को जो है पकड़ के जो है आगे की तरफ इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए अब यहां पर जो है फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्रेकआउट यहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और ये नीचे की तरफ आ गया। तो इसमें जो है हमको एक पैटर्न और ड्रॉ करके देखते हैं, शायद ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ ये बिल्कुल काम कर रहा है। और ये देखिए, तो यहां पर देखिए हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ये देखिए, जब यहां से ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करने के बाद फिर जो है इसने अपने लास्ट वाले लेवल पर ही आकर सपोर्ट लिया। तो क्या हुआ, हमको एक हायर हाई मिल गया। हमने हायर हाई को मैं आपको यहां पीछे दिखाता हूं, हमको यहां पर हायर हाई मिल गया। हायर हाई मिलने के बाद हमने यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, जिसको हमने आई की तरफ एक्सटेंड कर लिया। ठीक है ना, तो आई की तरफ एक्सटेंड करने के बाद हमने यहां पर ये देखिए, जब हमको यहां पर सपोर्ट पर ये कैंडल मिली और हैमर हमको दिखाई दिया, तो हमने यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद जो है कंटिन्यू जो है, अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, इसका ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि हमने यहां पर एक कैंडल पहले से ट्रेंड लाइन पहले से हमने ड्रॉ करके रखी थी, तो हमको हमारा लेवल पता था। हमारा लेवल या तो ये हो सकता था, ये जो हाई लगा हुआ है, ठीक है,
या फिर इस ट्रेंड लाइन का जो है बिल्कुल अपर लिमिट जो है वो हमारा टारगेट हो सकता था। तो हमने टारगेट जो है पहले इस टारगेट को यहां पर अचीव किया, अचीव करने के बाद जो है हमने अपने SL को कंटिन्यू ट्रेल करते हुए यहां पर हम गए। और यहां पर अब आप आके देख सकते हैं कि ये देखिए यहां पर जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार कैंडल बनते ही हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहां पर जो इसका सपोर्ट होगा, हम जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखिए फाइनली यहां पर जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कैंडल जो है इसी सपोर्ट लाइन पर कंटिन्यू सस्टेन होती रही, फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेरी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से अपनी क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो सपोर्ट जो है 6 7 बार कैंडल यहां पर सपोर्ट इसने लिया, फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। तो यहां पर कहीं जाकर हमारी एंट्री जो है एग्जीक्यूट हुई होगी। तो अगर हमने यहां पर नहीं भी अगर एंट्री ली है तो जो हमारा जो फंडा जो है वो मैं फाइनली मैं इसको यहां तक कर देता हूं। तो फंडा हमारा देखिए ऐसा है कि हम जो है ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद हम स्टॉक नहीं ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद जो अगर हमने यहां पर लिया होता तो हमारा यहां पर SL हो गया होता। तो इसलिए हम बिल्कुल हम उसी समय नहीं ले लेते हैं जो है ट्रेड। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी वेट करते हैं कि वो रीटेस्ट करे। तो ये देखिए यहां पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर देखिए रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया। यहां पर भी देखिए एक यहां पर इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। तो सबसे पहले आपको देखिए कैंडल स्टिक के बारे में सीखना होगा कि शूटिंग स्टार कैंडल किसे बोलते हैं, बुलिश हरामी किसे बोलते हैं, बीरिश हरामी किसे बोलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग किसे बोलते हैं, बीरिश एंगल्फिंग किसे बोलते हैं। ये सब चीजों के बारे में आपको जो है नॉलेज लेनी पड़ेगी। देखिए इन सब चीजों को मिक्स करके हमारी मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्टॉक हमारे बनते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न को हम ऐड करते हैं, हम चार्ट पैटर्न को ऐड करते हैं, प्लस हम अपने कुछ लॉजिक वगैरह इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। तो वो ट्रेड हमारे जो है मतलब समझ लिए सक्सेसफुल ही होके जाते हैं। कोई शायद ऐसा ट्रेड होता होगा जिसमें शायद हमारा SL होता होगा। तो यहां देखिए अब जब इसने यहां पर रिटेस्ट करना चालू किया, यहां पर आप देख रहे हैं इसने एक हायर हाई बनाना चालू किया। जब इसने हायर हाई बनाना चालू किया तो हमको दो हायर हाई यहां पर मिल गए, दो हायर हाई हमको यहां पर मिले। तो हमारा जो है ये देखिए नीचे हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। और फाइनली जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो हम यहां पर 100% कंफर्म हो गया कि अब यह स्टॉक नीचे की तरफ ही मूवमेंट करेगा। तो अगर हमने यहां पर एंट्री ली होती 1430 रुपये पर, तो ये देखिए हमको कितना मिला, 1299 रुपये, नियर अबाउट हमको 130 और 131 रुपये के नियर अबाउट हमको ये मिल गया, हमारा टारगेट हमको मिल गया। तो अब देखिए अब जो है इसने नीचे की तरफ जो है नीचे मूवमेंट करना चालू किया। अब नीचे मूवमेंट करने के बाद ये देखिए यहां पर इसने फाइनली कहीं नहीं है यहां सपोर्ट लेना चालू किया, नियर अबाउट इसी सपोर्ट लाइन के पास कहीं आकर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अब ये देखिए अब ये एक न्यू हायर हाई बनाना चालू किया। अब देख रहे हैं अब जब हमको दो यहां पर न्यू हमको दो हायर हाई मिल गए तो हमने यहां पर जो है अपनी ये ड्रॉ कर दी, ये देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसने फाइनली अब इसको ही ब्रेकआउट कर दिया। इसको ब्रेकआउट करने के बाद जब हमने यहां पर सौदा लिया अपना ट्रेड लिया तो ये देखिए जब जहां पर इसने लास्ट टाइम यहां पर सपोर्ट लिया था, आप ये देख सकते हैं यहां पर लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है एक अपना सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया कि नेक्स्ट टाइम भी मतलब ये यहां से बाउंस बैक कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पर देखिए हमको यहां पर सपोर्ट, एक तो फर्स्ट तो यहां पर हमको सपोर्ट मिल गया, सेकंड यहां पर जो है देखिए एक हैमर कैंडल मिल गई। तो ज्यादातर ये जो स्टॉक है ये हैमर कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को ज्यादा फॉलो करता है, मैंने ये चीज देखा है, इसमें इसकी मूवमेंट इसी तरह से होती है। अब ये देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ये यहां पर ये लोअर लो बनाना चालू कर दिया इसने। तो हमको जब दो या दो से अधिक लोअर लो मिल जाते हैं तो हमारी एक ट्रेंड लाइन तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ये हमारी ट्रेंड लाइन तैयार हो गई। अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ट्रेंड लाइन तैयार होने के बाद ये देखिए इसने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये यहां देखिए रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर जो है ऊपर की तरफ निकल गया। अब हम जो है इसको मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए इसको हम यहां पर एक ये देखिए रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे जहां पर इसने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था। इसको हम पीछे की तरफ भी अगर करते हैं तो ये देखिए यहां पर भी इसने ये देखिए यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया है, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम।
तो जब इस रेजिस्टेंस के पास ये पहुंचा तो उसके बाद इसने दो रेड कलर की कैंडल बनाई, फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद हमारे यहां पर एंट्री जो है एग्जीक्यूट हो गई। एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद ये देखिए, ये कंटिन्यू यहां देखिए, हमने अगर सौदा यहां पर लिया होता 1400 रुपये पर, तो 1400 रुपये से ये देखिए 1820 रुपये, नियर अबाउट 420 रुपये का हमको यहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब हुआ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमने इस तरह से लिया होता, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अब हमको यहां पर जो है पीछे से ये जो कैंडल यहां पर इसने हाई लगाया था, हमने यहां से भी एक जो है सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये देखिए जो इसका रेजिस्टेंस था अब यहां पर आके सपोर्ट बन चुका है, यहां पर ये अभी कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। अब देखिए, अब इसने देखिए दो बड़ी बड़ी जो है रेड कलर की कैंडल बनाई है, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ गया। तो यहां पर हमको एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी मिल रहा है। मैं ऐसे ही आपको बताया था, ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए ये नीचे की तरफ आया, ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। तो डब्ल्यू पैटर्न जो होते हैं वो बहुत जो है मतलब प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगे। अब देखिए, अब यहां पर जो इसने दो बार, एक बार, वन टाइम, टू टाइम, तो हमने हमको यहां पर जो है जब हमको दो लोअर लो लोअर हाई या फिर दो हमको सेम लेवल के चीज अपना प्राइस मिल जाता है, तो हमको वहां पर एक पैटर्न मिल जाता है। तो हमने देखिए यहां पर एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया। तो हम देखिए हमारी एंट्री यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, बट हमारी जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी, हम जहां यहां पर ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर जो है आपको रीटेस्ट का मौका नहीं मिला, तो ऐसे स्टॉक को हम बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। क्योंकि देखिए जो रीटेस्ट का सिस्टम होता है, रीटेस्ट में हमको एंट्री करने का मौका मिल जाता है। अब ये देखिए यहां पर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, अगर हम काफी पीछे जाएंगे तब हमको कुछ शायद मिलेगा, बट हम इसको जो है, अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे कि ये स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है? क्या आपके माइंड में कोई है आइडिया कि आप इसको एनालाइज कर पाए कि ये ऊपर यहां पर मतलब नीचे आ रहा है, कहीं और नीचे तो नहीं आ सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं। हम यहां पर यूज करेंगे फिबोनाची का। फिबोनाची, अब देखिए हमने इसका हमने लो पकड़ा और इसका हमने यहां पर हाई पकड़ा, ठीक है। तो ये देखिए ये नियर अबाउट 38.2 के लेवल से, एक मिनट, यहां से कंटिन्यू ये हुआ है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक एग्जैक्टली 38.2 के लेवल से ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गया, ठीक है ना। तो ये फिबोनाची की लेवल होते हैं 0.23 होता है, 0.38 होता है, 0.5 होता है और 0.61 होता है। तो ये लेवल होते हैं, तो मैं फिबोनाची पे भी एक वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा, तो इससे जो है आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो देखिए यहां पर इसने इसको जो है सपोर्ट लेकर, 38.2 का सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब ये देखिए इसने लोअर जो लो लगाया था उसके बाद फिर एक हायर हाई लगाया, सेम लेवल। ये देखिए जो यहां पर लेवल है 1818 रुपये का, 1818 रुपये के बाद ही जाके नीचे आ गया। तो अब हमको दो सेम लेवल का प्राइस मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सपोर्ट लाइन जिसको हम कहते हैं। तो ये देखिए अब हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है इसको ब्रेक करने के लिए, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर देखिए दूसरी बार, तीसरी बार फिर ब्रेक करने गया, फिर नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आ गया। चौथी बार फिर ब्रेक करने गया तो मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, और सेलर कंटिन्यू एक्टिवेट होते जा रहे हैं, फिर ये नीचे की तरफ आ गया। अब हमको ये देखिए, अब हम मैं आपको यहां पर एक पैटर्न और दिखाता हूं, हमको एक पैटर्न और मिल गया। ये देखिए हमको यहां लोअर लो मिला, नेक्स्ट टाइम हमको फिर हायर हाई मिला, यहां हायर हाई मिला, तो हमको यहां पर मिल गई एक ट्रेंड लाइन। हमने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और फाइनली देखिए इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहां पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद इसने देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद सीधा बूम नीचे की तरफ ये आ गया, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ यहां पर आया है तो ये देखिए अब इसने लो यहां पर लगाकर 1665 रुपये पर लोअर लगाकर फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब क्या हुआ, हमने हमको यहां पर एक सपोर्ट मिल गया, हमने यहां से ये लाइन ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। चाहे यहां से मान लीजिए, चाहे यहां से भी बाउंस बैक हो चुका है, तो यहां से हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर ली। अब कंटिन्यू जो है ये देखिए ऊपर की तरफ गया, फिर यहीं पर आके इसने नियर अबाउट इसी के पास ही सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया है। अब आने वाले दिनों में हमारी क्या इससे प्रेडिक्शन होनी चाहिए? आने वाले दिनों में देखिए हम ऐसा देख सकते हैं कि यहां से वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम और अभी ये 8 टाइम,
ये 8वीं बार जा रहा है इसको ब्रेक करने के लिए। देखिए अगर इस बार ये ब्रेकआउट होता है तो आपको देखिएगा एक बहुत अच्छी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी नियर अबाउट। देखिए इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट ये होता है, मान लीजिए जो ये चैनल का जो प्राइस होता है, मान लीजिए यहां पर 1680 और यहां पर है आपका 1820, तो लमसम 140 रुपए का ये प्राइस है। इसका हम डबल लेकर चलते हैं, ये मतलब हमारा जो पहला टारगेट होता है वो इतना ही टारगेट होगा, जो सेकंड टारगेट होगा और वो इसका दुगना होगा। तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 140 पॉइंट की मूवमेंट। जब ये ऊपर का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम 140 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा और 140 पॉइंट ही हम इसमें टारगेट लेके पहला टारगेट बुक कर लेंगे और दूसरा 140 पॉइंट के लिए हम इसमें बने रहेंगे। तो ये एशियन पेंट्स की एनालिसिस थी, आशा है कि ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए एशियन पेंट का हो गया, अब हम आगे देख लेते हैं बर्जर पेंट का। तो ये देखिए बर्जर पेंट का जो चार्ट है मैंने आपके लिए बिल्कुल नेट एंड क्लीन करके रखा हुआ है। तो आइए अब इसका हम एनालिसिस करते हैं 2017 से। चलिए तो अब हम यहां से एनालिसिस करते हैं। देखिए यहां पर हमको एक हायर हाई मिला हुआ है, हमको एक हाई मिला हुआ है, यहां पर हमको एक लो मिला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हाई के पास से हम अपना एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहां पर हमको, हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूं, ये इसका बना हुआ है। तो यहां ये देखिए यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और अब हम यहां पर नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर नीचे की तरफ शायद ये चार्ट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। अब यहां पर देखिए हम कहां पे थे, हम हाँ सॉरी हम यहां पे थे। तो हमको यहां पर एक हायर हाई मिला था और यहां पर हमको एक लो मिला था। तो जहां पर हमको एक लो मिला हमने वहां से भी जो है एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद आप ये देखिए यहां से सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ निकला है, ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर सेम लेवल पर ही आकर ये 265 रुपए पर ये आके सस्टेन करना चालू किया है। तो यहां पर इसने एक सपोर्ट लिया 265 रुपए का, 265 रुपए का सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकला। यहां पर भी जो है देखिए इसने एक हायर हाई बनाया था सेम लेवल पर आकर, यहां पर देखिए सेम लेवल पर आकर इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, फाइनली इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने का देखिए रीटेस्ट करने के लिए फिर यहां पर इसी लेवल पर आ रहा है। तो यहां पर अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट यहां पर अब जो है यही जो पिछला हाई लगा हुआ था यही हमारा टारगेट होगा। तो हमारा टारगेट, हम मान लीजिए हमारा ये टारगेट अचीव हो गया, ठीक यहां तक गया। और यहां पर देखिए जो यहां पर लास्ट टाइम इसने जहां सपोर्ट लिया था, जहां पे इसके लिए रेजिस्टेंस था, अब इसका ये सपोर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम फिर ये ऊपर जाकर इसी जगह ये देखिए सपोर्ट लेकर इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसी को जो है आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ये जो है ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पावरफुल होते हैं मार्केट में, जो है पैसे इन्हीं चीजों से बनते हैं। जो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल अगर आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करना आता है तो आपको शायद मार्केट में से पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे पूरा ध्यान देना है, आपकी ये एक्यूरेट होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन जो आप ड्रॉ करते हैं चार्ट में वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए आप लोगों के लिए एक फ्री सर्विस चालू की है, जैसे आप चार्ट ड्रॉ करते हैं और आपको चार्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा चार्ट सही है या गलत है, या मतलब उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वो चार्ट मुझे मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको टेलीग्राम में दिया हुआ है, आप उसको देखकर वहां पर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उस चार्ट को देखूंगा, अगर उस चार्ट में कोई गलती हुई तो मैं उसको सुधार करके आपको चार्ट में रिटर्न मैं आपको पोस्ट करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो है कंटिन्यू मेरे को चार्ट भेजते रहेंगे और मैं आप उसकी एनालिसिस करके सही तरीके से उसको ड्रॉ करके आपको भेजता रहूंगा। तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको पता लगता रहेगा कि मेरी गलती कहाँ पर है, मैं चार्ट में अक्सर कहां पर गलतियां करता हूं। तो आप उन गलतियों को पकड़ेंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे और नेक्स्ट टाइम जो है उन गलतियों से ही सीखेंगे और आप जो है अच्छे एक एनालिसिस बन कर सकेंगे अपने चार्ट पर। तो आइए देखिए अब हमने जो ये सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था यहां पर ही आकर ये देखिए सपोर्ट इसने फिर लिया है,
यहां पर जब हमारा टारगेट अचीव हुआ है, टारगेट अचीव होने के बाद ये आप देखिए इसी लेवल पर आके इसने फिर सपोर्ट लिया है। इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद देखिए कंटिन्यू ये फिर ऊपर की तरफ निकला। अब हम इधर भी अपना अपना जो है जो हमने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है अपनी रेजिस्टेंस लाइन, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर जो है हमने यहां से बाइंग की, फिर ये ऊपर की तरफ यहीं पर जो है इसने रेजिस्टेंस लिया जो हमारा पिछला हाई बने हुए हैं। हमने यहां से सेल किया, सेल करने के बाद फिर हमको यहां पर हमने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक किया। हमने यहां से बाय किया, फिर यहां पर अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर हमने यहां सेल किया, बाय किया, फिर हमने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। पर फाइनली ये देखिए क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू एक चैनल में चल रहा है, कंटिन्यू एक चैनल में चल रहा है। और मैंने आपको बताया था ना कि जब ये चैनल के ब्रेकआउट होते हैं तो ये ब्रेकआउट इतने जबरदस्त होते हैं कि इसमें आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स तक के प्रॉफिट इसमें आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी चार्ट की एनालिसिस सही है तो आप इसमें से काफी अच्छे पैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अभी इसका जो है ये 296 और इसका जो हाई लगा हुआ है वो 341, तो नियर अबाउट 50 रुपए के रेंज में ये कंटिन्यू जो है ट्रेड करता रहा। कब से ट्रेड करता रहा आपको मैं ही बताता हूं, 30 अगस्त 18 से लेकर के ये जो है 2 अगस्त 19, तो मतलब एक साल कंटिन्यू ये इस चैनल में ही ट्रेड करता रहा बर्जर पेंट, ठीक है ना। इस 50 रुपए के अंदर ही ऊपर गया, 50 रुपए ऊपर गया, फिर 50 रुपए नीचे आया, फिर 50 रुपए ऊपर गया, फिर 50 रुपए नीचे आया, फिर 50 रुपए ऊपर गया, फिर 50 रुपए नीचे आया। तो एक साल के दरमियान ये कंटिन्यू 50 रुपए ही इस स्टॉक की रेंज रही और 50 रुपए के अंदर ही ये जो है बजर पेंट ट्रेड करता रहा। और अब देखिए 50 रुपए का जब इसने यहां पर ब्रेकआउट जब दिया था तो वो तारीख थी 6 अगस्त 2019, तो इसने इसी अगस्त में जो है इसका ब्रेकआउट दिया था। और ये देखिए 340 रुपए से लेकर के इस स्टॉक ने हाई लगाया 532 रुपए। तो मान लीजिए अगर आपने यहां पर बाय किया होता इस सपोर्ट पर 300 रुपए, 300 रुपए से आपका ये जो हाई लगाया है ये 532 रुपए, नियर अबाउट आपको जो है 80 से 90% की जो है रिटर्न आपको कितने दिनों में मिल गई है, तो वो मिल गई है आपको वो रिटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। 3 महीने में आपको देखिए जो है आपको 532 रुपए लगभग 232 रुपए का प्रॉफिट। अगर आपने आपको इसके बारे में नॉलेज होती, चैनल किसको बोलते हैं, जो है ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ होती है, या डबल टॉप किसे कहते हैं, डबल बॉटम किसे कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या काम है, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता होता तो आप ही जो है ये प्रॉफिट बुक कर सकते थे। चलिए जो भी है, अब हम अपनी आगे की एनालिसिस करते हैं। अब देखिए अब ये स्टॉक ऊपर जाने के बाद ये देखिए यहां पर नीचे की तरफ, मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। सॉरी इसको मैं डिलीट कर दूं। ये देखिए अब ये देखिए ये ऊपर जाने के बाद अब ये देखिए यहां पर आके इसने जो है सपोर्ट लेना चालू कर दिया है, फिर ये ऊपर गया है, फिर देखिए एग्जैक्टली यहीं पर आके सपोर्ट। तो जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था जहां पर आपको पहला सपोर्ट मिला है वहां पर जो है आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने यहां सपोर्ट ड्रॉ किया होता फिर ये ऊपर की तरफ गया, तो यहां पर भी जो है आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आप इस रेजिस्टेंस को भी यहां पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, अभी देखिए वहां से ऊपर जाने के बाद फिर यहीं पर जो है लास्ट टाइम जहां पर सपोर्ट लिया था वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने अपनी जो है सपोर्ट लाइन जो है एक्सटेंड कर ली थी, तो हमने हमको यहां पर जो है बाइंग मिल गई। बाइंग मिलने के बाद फिर ये देखिए जहां लास्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया था सेम उसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी सेम उसी लेवल पर आके ये फिर ऊपर की तरफ जो है निकल रहा है। अब इसको भी हमने एक्सटेंड कर लिया है, फाइनली जो है हमको यहां पर ब्रेकआउट मिल गया है। तो देखिए इस स्टॉक की मुझे मूवमेंट पता है, किस तरह चाल करता है, इसका बिहेवियर पता है। तो बर्जर पेंट जो है अक्सर जो है चैनल में फंस जाता है, चैनल में फंसने के बाद जब इसका ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट बहुत ही बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉक्स देखने हैं, स्टॉक का बिहेवियर देखना है, स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, स्टॉक में किस तरह से चाल बनती है, स्टॉक की मूवमेंट किस तरह से होती है, ये सब चीजें आपको पकड़नी है, कैच करनी है। तो आइए अब देखिए क्या हुआ, जैसे यहां ये देखिए ब्रेकआउट कितना जबरदस्त हुआ, ठीक है। और ऊपर जाकर भी क्या कर रहा है, देखिए इसने यहां पर एक फिर चैनल यहां पर एक बना लिया,
यहां पर एक फिर एक चैनल बनाया, यहां पर देखिए सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आकर वहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर निकला, और ऊपर भी देखिए क्या हो रहा है, ऊपर भी इसने एक चैनल टाइप बनाया है। ये देखिए यहाँ चैनल बनाने के बाद इसको हम या तो हम फ्लैग भी बोल सकते हैं या चैनल भी बोल सकते हैं, छोटा सा एक चैनल, चलिए ये है, इसको हम फ्लैग पैटर्न ही बोल सकते हैं। तो ये पैटर्न ब्रेकआउट करने के बाद फिर देखिए इसने एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल गया है। अब देखिए यहां पर ये जो ऊपर की तरफ गया है, यहां पर नीचे की तरफ आया, तो यहां पर जब ये नीचे की तरफ आया है तो हमको क्या, हमने यहां पर अपना सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऊपर की तरफ गया, फिर ये है अपना ये नीचे की तरफ जो है इसने मूवमेंट की है, सॉरी ये चार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नीचे की तरफ आया, हमने अपना इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। ये देखिए एक्सटेंड करने के बाद देखिए ये कंटिन्यू अब जो है ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, हमने इसी तरह से जो है एक ऊपर भी, ये देखिए इसका ये हाई लगा हुआ है ना, तो यहां से हम जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर भी देखिए अब ये है कंटिन्यू एक चैनल में फंस चुका है, ठीक है, यहां से ये ऊपर इसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे की तरफ आ जा रहा है, ठीक है, फिर यहीं पर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया और फाइनली फिर इस सपोर्ट पर आ गया। तो अभी क्या करना है आपको, अब हम फ्यूचर की प्लानिंग इसमें करेंगे, अब हम इसमें जो है इसका चैनल का ब्रेकआउट अब हमने देखना है। अगर आपको ये स्टॉक कभी भी मिलता है 526 या 525 रुपए का लेवल पर मिलता है, तो आप उसमें एक छोटा स्टॉप लॉस रखकर सेल की तरफ चलिए, और उसमें अगर आपको ये नीचे 470 से 475 के पास मिलता है, तब इसमें एक 2-4-5 रुपए का आप छोटा स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें जो है टारगेट 527 रुपए के लिए चल सकते हैं। तो नियर अबाउट इसमें इसमें भी देखिए अब यहाँ पे 475 ऊपर 425, यहाँ भी 50 से 55 रुपए के रेंज में अभी ये फंस चुका है, ठीक है, बर्जर पेंट, तो 50 से 55 रुपए की रेंज ही अब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जैसे हमने यहां पर देखा था, यहां पर एक साल जो है कंटिन्यू ये फंसा रहा था इसी चैनल में, 50 रुपए में फंसा रहा था। अब मुझको लगता है शायद यहां पर भी अब वही सीन दोबारा होने जा रहा है, ये 50 से 55 रुपए के बीच में फिर फंस चुका है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये स्टॉक जो है 525 रुपए के लेवल पर मिलता है, फिर जो है 50 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर जो है 475 रुपए के लिए चलिए, और अगर आपको 475 रुपए के लेवल पर मिलता है तो आप जो है इसमें बाइंग पोजीशन बनाकर 525 रुपए के लिए चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें ब्रेकआउट जब होगा तो ब्रेकआउट इसमें भी बहुत जबरदस्त होने वाला है, आप इस चीज का ध्यान रख के चलिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी, अगर किसी को भी इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से अपनी क्वेरी वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सेकेंडली जो है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो एंजल टेक एनालिसिस है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं इसी तरह के चार्ट वगैरह मैं डालते रहता हूँ, पोस्ट डालते रहता हूँ, उसमें मैं इंट्राडे की कॉल्स देता रहता हूँ, और जो है उस कॉल्स की रिपोर्ट 3:30 बजे मैं बनाकर देता हूँ, उसमें हमको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। तो अगर मेरा कोई भी भाई अगर सज्जन सीखना चाहता है तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसमें जाकर देखिए हमने जो चार्ट एनालिसिस करके पोस्ट की हुई है, आप उसके थ्रू सीख सकते हैं किस तरह से हमने चार्ट पैटर्न ड्रॉ की हुई है, किस तरह से कैंडल स्टिक वगैरह ड्रॉ करके रखी हुई है, और उसमें मैंने 100 से ज्यादा बुक्स मैंने जो है पोस्ट कर रखी हैं, अगर आप चाहें तो उन बुक्स को पढ़ सकते हैं सीख सकते हैं, बुक्स जो है काफी जो है अच्छी हैं और जो है आपके फायदे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। तो आप जो है जाके उस चैनल को देखिए, उन चार्ट को सीखिए, समझिए किस तरह से उसमें पैटर्न ड्रॉ करके रखे हुए हैं, किस तरह से उसमें सपोर्ट ड्रॉ किए हुए हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं। जब आप उसको देखेंगे सीखेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप जो है मार्केट में काफी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाकी मेरे नए दोस्तों से अनुरोध है, जो भी मेरे नए दोस्त सज्जन इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें कि आपको आने वाली सभी वीडियो जो है मिलती रहें। मैं इसी तरह से जो है स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूं और एनालिसिस करके आप लोगों को सिखाता हूं, समझाता हूं, ठीक है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करके मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।